भारत सरकार जो भी एक्सेसिबिलिटी इन इंडियन सिनेमा के ऊपर जो भी गाइडलाइंस उन्होंने बनाई हैं, जो कि सेंसरशिप में लागू होने जा रही हैं और 15 सितंबर से लागू होने जा रही हैं, और फिर धीरे धीरे करके सिनेमाघरों में भी, जब हर प्रकार के दिव्यांग दर्शक फिल्म को देखने जाने वाले हैं, तो उसको लेकर फिल्मों में क्या चीज़ें हमें डालनी है निर्माताओं ने, इस विषय के ऊपर आज की बैठक चंडीगढ़ में हो रही है। बतौर निर्माता, निर्देशक और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द फिल्म रब दी आवाज़, जो कि भारत की पहली बहुसमावेशी फिल्म, मल्टी इंक्लूसिव फिल्म है, उसके ऊपर हमने क्या एफर्ट्स किए थे और पॉलिसी में उसको कैसे रेफरेंस के तौर पर लिया जा रहा है, आज उस विषय में हमारा योगदान होगा कि हम फिल्मों को कैसे एक्सेसिबल बना सकते हैं और ना केवल विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि और हेयरिंग इम्पेयर्ड लोगों को भी फिल्म के साथ जोड़ सकते हैं, अपने दर्शक बना सकते हैं, और फिल्म अधिक लोगों तक पहुंचाने का इस माध्यम से प्रयास और किया जाएगा, ताकि वो लोग भी सिनेमाघर में आएं और फिल्मों को अनुभव कर सकें। देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन जब उतने दर्शक भी और आएंगे तो वो कॉस्ट को कवर करना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा एक चुनौती रहेगी, क्योंकि आने वाले दर्शक भी बढ़ेंगे, जब विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी फिल्म देखने आएंगे तो इतना तो अनुमान है कि 10 से 20 हज़ार नए दर्शक फिल्म के साथ जुड़ेंगे। अगर हम हेयरिंग इम्पेयर्ड, मूक बधिर लोगों को भी फिल्म दिखाने योग्य अपनी फिल्म बना सकते हैं, तो उनकी भी गिनती बहुत ज़्यादा है, 5-10 हज़ार और। तो इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, अगर लाइफ टाइम रॉयल्टी और लॉन्ग टर्म अगर फिल्म की रिकवरी की बात करें तो ये पिक्चर में फ़ायदा कराने का भी काम इसमें बहुत हो सकता है।